नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो है स्ट्रीट लाइट रिपेयर करेंगे। ये है डेड है, मतलब जल नहीं रही है, तो इसको हम सीरियल लैंप से चेक कर लेते हैं पहले सप्लाई देके। तो देखो दोस्तों, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इसमें। तो सबसे पहले हम जो है इस लाइट को खोलते हैं। इसमें एलन की वाले जो है नट लगे हुए हैं, तो ये हमारे पास एलन की है। तो सबसे पहले हम इसको जो है नट खोल लेते हैं। तो दोस्तों, हमने इसके जो है पूरे नट खोल दिए हैं, ये देख रहे हैं। तो ये है और कुछ कंपनी की है, लेकिन इसमें वाटेज कुछ लिखा नहीं होगा कितनी वाट की है। मेरे को लगा कम से कम 25 वाट की होगी ये। तो देखो, इसको हम ढक्कन खोल लिया। तो इसमें एक सर्किट है, एलईडी सर्किट, और ये MSA PCB है एलईडी। तो सबसे पहले हम इसका सर्किट जो है बाहर कर लेते हैं। इसकी मेन लाइन भी खोल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा सर्किट निकल गया है। सबसे पहले हम टेस्टिंग लैंप से या किसी भी मल्टीमीटर से इसके जो है ये फ्यू चेक करेंगे। मल्टीमीटर को हम जो कंटिन्यूटी में सेट कर लेते हैं। ये इसके फ्यूज हैं काले वाले दोनों, ये वाले, ये वाला। तो सबसे पहले देखते हैं इसके फ्यूज के पॉइंट जो है। दोस्तों, इसके फ्यूज में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा लगता है। इसके फ्यूज है खत्म है, शायद शॉर्ट सर्किट से इसके फ्यूज खत्म हो गए हैं। तो इसके बाद हम इसके डायोड चेक कर लेते हैं। देखते हैं डायोड में शॉर्ट तो नहीं है। ये देखो, डायोड शॉर्ट बता रहा दोस्तों इसका। इसको मुझे सीरी लैंप से सप्लाई देके देखते हैं एक बार। ये सीरी लैंप है, इसे सप्लाई देके देखते हैं एक बार। यहीं देंगे, डायोड के पीछे देंगे, क्योंकि फिर फ्यूज खत्म हो गए हैं। तो यहाँ देंगे जहाँ इसमें से। ये देखो दोस्तों, ब्लिंकिंग कर रहा है। इसका मतलब इसका डायोड शॉर्ट है, इसको पूरी सप्लाई नहीं मिल रही है। तो देखा दोस्तों, लाइट तो ठीक है, सर्किट ठीक है, लेकिन इसका डायोड की दिक्कत लग रही है, जिससे सप्लाई जो है पूरी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये एक साइड से इसका पिन शॉर्ट हो गया है। तो ये देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हम। ये देखो दोस्तों, ये डायोड शॉर्ट बता रहा है। तो इस डायोड को हम रिप्लेस करेंगे। इसमें लगाएं हम IN4007 लगाएंगे, इसका ब्रिज रेक्टिफायर बना के फिर इसमें हम लगाएंगे डायोड। तो सबसे पहले हम इसका डायोड को हम निकालेंगे सोल्डरिंग आयरन से। तो दोस्तों, डायोड नहीं थे तो हमारे पास ये पुरानी चौक का जो सर्किट है, इसमें IN4007 डायोड हैं, तो उनको हम निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको मीटर से चेक कर लेते हैं। डायोड ख़राब तो नहीं है, क्योंकि एक साइड में बीप करेगा और एक साइड में बीप नहीं करेगा। अगर दोनों साइड बीप करेगा तो इसका मतलब डायोड शॉर्ट है आपका। रीडिंग दे रहा है दोस्तों, बीप नहीं करेगा, रीडिंग देगा। बीप करने से तो शॉर्ट है मतलब। तो देखो, आपको रीडिंग दिख रही होगी, 1 साइड रीडिंग दे रहा है, 1 साइड रीडिंग नहीं देगा। इसका मतलब डायोड हमारे सारे ठीक हैं। हम डायोड को सोल्डरिंग आयरन से निकाल के ब्रिज रेक्टिफायर बना लेंगे एक, और उसके बाद इसमें हम लगाएंगे। तो सोल्डरिंग आयरन दोस्तों मैंने लगा दिया है, अब इसको जो हम निकालेंगे काबिये से। दोस्तों, ने चारों निकाल लिए हैं ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए। दोस्तों, ये देखते हैं, इसके दो व्हाइट पॉइंट हैं, इनको आपस में सोल्डर करेंगे ऐसे। ये ट्विस्ट कर देंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम इसमें सोल्डरिंग कर लेंगे।
ये हो गया दोस्तों, देखो इस पर, और इसके जो है दूसरी साइड के जो वाइट पॉइंट नहीं है उसके ऑपोजिट दूसरा साइड ब्लैक पॉइंट में, उस साइड से इसको मिला लेंगे आपस में। ये हो गया दोस्तों, अब ये दो सिरे बचे इनको आपस में हम जोड़ लेंगे। इसमें से एसी सप्लाई आएगी दोनों में से, इसमें पॉजिटिव निकलेगा और इसमें नेगेटिव आएगा। ये हो गया दोस्तों, अब हम इसको अच्छे से सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों बन गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, अभी मुझे इसका सोल्डिंग आयरन, सोल्डिंग आने से जो इसका ये डायोड निकाल लेते हैं। इसे धीरे धीरे निकालेंगे दोस्तों एक एक पॉइंट को। ये दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट है इसका, ये नेगेटिव पॉइंट है। ये जिस हिसाब से इसमें पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, तो उसी हिसाब से इसमें वायर जोड़ के हम कनेक्ट कर देंगे। इसमें तार जोड़ेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें शॉर्ट होने का खतरा है, तो इसमें एक्स्ट्रा तार जोड़ के फिर हम लगाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये तार के टुकड़े दे लिए हमने, अभी तार के टुकड़े इसमें कनेक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव में लगाएंगे हम और काले वाला नेगेटिव में दोस्तों। दोस्तों ये पॉजिटिव वाला है, इसमें रेड को जोड़ देंगे पॉजिटिव में। दोस्तों
ये पॉजिटिव जोड़ दिया रेड और नेगेटिव में जोड़ दिया। अब हम इनको इस पैनल में जोड़ देंगे। तो इसका पॉजिटिव ये साइड है, इसको हम जो है पॉजिटिव का पॉजिटिव में जोड़ देंगे। और ये नेगेटिव जोड़ देंगे इसका दोस्तों। और ये दो बच्ची एसी की में सप्लाई है, इसमें एसी की सप्लाई जोड़ेंगे हम। तो इसको हम जो है दूसरी तार जोड़ेंगे एसी सप्लाई के लिए। हमारे पास दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर नहीं है जो उसमें निकला, तो इसमें हमने इन 4007 लगाए हैं इसी वजह से। तो इसमें हम पेस्ट लगाते हैं दोस्तों, पेस्ट से ऐसा होता है अच्छी तरह से चिपकता है। ये दोस्तों इसमें हम एसी सप्लाई जोड़ देंगे इसी में से। तो दोस्तों हमने ब्रिज रेक्टिफायर जो है बना दिया है। अब इसको हम जो एक बार टेस्ट कर लेते हैं सप्लाई देके सीरीज लैंप से। लाइट चल रही है, नहीं चल रही है। तो दोस्तों हमने सीरीज लैंप बनाया था, आपको इसका वीडियो बताया पहले, इसका लिंक जो है इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का। और ये सीरीज लैंप है, ये देखो। तो अब इससे हम जो है सप्लाई देंगे एसी सप्लाई यहाँ से, क्योंकि इसके फ्यूज गए हैं, फ्यूज भी तार लगेंगे। तो ये देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा ही फॉल्ट था, यानी कि डायोड इसका शॉर्ट था। तो हमने इसमें इन 4007 का ब्रिज रेक्टिफायर लगाया और ये लाइट जो है ठीक हो गई। तो इसी तरह आप भी किसी भी स्ट्रीट लाइट को, एलईडी स्ट्रीट लाइट को चेक करके रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले इसको किस तरह से चेक करना है मैंने बताया हुआ है। पहले मेन सप्लाई चेक करनी है, पहले इसका फ्यूज चेक करना है, फिर डायोड चेक करना है। मैंने दिखा हुआ है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।